हेलो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करेंगे जो पिछले वीडियो में देखे हैं उसके आगे देखेंगे। ये पोर्शन हमारा कन्वर्शन का है, ठीक है ना। उसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो कन्वर्शन वन पार्ट देखे हैं कन्वर्शन टू पार्ट इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मैं रुद्र नायक, आप कन्वर्शन है कहते हैं कि हाउ द फ्लोइंग कन्वर्सन कैन बी कैरीड आउट, कैसे ये कन्वर्सन होगा। पहला दिया है कि प्रोपीन्स टू प्रोपीन वन ऑल बनाना है, तो हमको लिखना है पहले प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन लिखिए, एक दो तीन, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, या तो इसको वन प्रोपीन लिखिए या प्रोपीन लिखिए, क्योंकि किसी भी साइड से लिखिएगा तो इसको वन प्रोपीन ही लिख सकते हैं, इसलिए सिंपली इसको प्रोपीन ही कह दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख दिए, दो बॉन्ड था दो एच आ गया, तीन बॉन्ड है एक एच आएगा, और यहाँ एक बॉन्ड है तो तीन एच आएगा। कह रहे कि प्रोपेन वन ऑल बनाना है, तो प्रोपेन वन ऑल बनाइए तो क्या कहिएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच आपको बनाना है। ये बनेगा कैसे, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए, लास्ट में अल्कोहल लगा हुआ है, तो लास्ट में अल्कोहल लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, लास्ट में अगर आपका हैलाइड्स आ जाता है तो ये रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर लास्ट में हैलाइड्स आ जाए तो आप एक्वस क्यूएच के द्वारा, क्योंकि वो पता है कि हम पहले भी बताए हैं कि एक्वस क्यूएच या एनएमएच दिया रहे तो ये क्या करता है, हमको सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। जैसे आपको आरसीएल दिया हुआ है, एक्वस एनएमएच दिया हुआ है, ठीक है, अगर कीजिए तो क्या होगा, आर ओ एच हो जाएगा ई ढंग से। मतलब सी एच थ्री सी एल दिया हुआ है, एक्वस की ओ एच कीजिएगा सी एच थ्री ओ एच हो जाएगा, मतलब क्लोरीन को हटा के ओ एच ग्रुप आता है, यानी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है हमारा। तो अब इसमें यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन कोई भी हैलोजन ग्रुप आएगा तो उसको क्या करेगा, रिप्लेस करके एक्वस की ओ एच डालेंगे तो बन जाएगा, तो हमको लास्ट में क्लोरीन लगाना। तो कैसे लगेगा लास्ट में क्लोरीन, तो देखिए लास्ट में एक ही रिएक्शन होता है, आपको हम पहले भी बताएं, एच बी आर पर ऑक्साइड, ठीक है। एच बी आर पर ऑक्साइड एच एक्स के केस में सिर्फ एच बी आर के साथ ही होता है, अदर के केस में नहीं होता है, होता है लेकिन इंसेंट लेवल में नहीं होगा। एच एक्स केस में इसी के साथ होता है, बाकी और भी है, सी एच बी आर थ्री है, सी एच सी एल थ्री है, उसके साथ भी होता है, लेकिन एच बी आर एच एक्स केस में सिर्फ इसी के साथ होगा। एच सी एल पर ऑक्साइड डालिएगा तो कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ एच बी आर के साथ ही काम करेगा। तो आप क्या कीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, इसको एक्वस क्यूएच कर लीजिए तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमको इथेनॉल टू ब्यूट वन आयन बनाना है। वैसे हम पिछले सेक्शन में पिछले कन्वर्शन में देखे हैं, फिर भी हम इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब हम देखते हैं कि अगर याद होगा पिछले कन्वर्शन में किए थे हम इसको कि इथेनॉल से, तो इथेनॉल से बनाइएगा तो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच से आपको बनाना है सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है ना, ब्यूट वन आयन बनाना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये यहाँ दो है तो यहाँ चार है, तो इसको आप या तो लेंदी मेथड से यूज़ कीजिए या आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम पहले वीडियो में, सबसे पहले तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं पी सी एल फाइव या पी सी एल थ्री या एस ओ सी एल टू या एच सी एल भी डालिएगा तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे अदर जगह पर रिएजमेंट की संभावना रहता है, इसलिए एस सी एल डाल यहाँ यूज नहीं करते। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये
क्लोरीन लग गया, ठीक है ना। तो क्लोरीन लग गया, अब इस क्लोरीन में इसको आप यहाँ से आप अल्कोहलिक किया लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर इसमें Cl2 CCl4 लीजिए या Br2 CCl4 लीजिए, तो दो ब्रोमीन Br2 दीजिए, तो यहाँ पे क्लोरीन दीजिए, तो यहाँ पर दो क्लोरीन लग जाएगा, तो ये बन गया दो क्लोरीन आ गया। आप इसको दो स्टेप में बनाना चाह रहे हैं तो आप कीजिए क्या, इसको अल्कोहलिक KOH डालिए, ये क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो CHCl बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्लोरीन है, इसका H गया, तो ये हो जाएगा। आप फिर NaNH2 डालिए इसमें, ठीक है, NaNH2 दो मोल डालिएगा, तो डायरेक्ट आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बनाएगा, ठीक है। या आप चाहें तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते थे, कैसे, कॉन्क S2SO4 ने हिट कीजिएगा तो डायरेक्ट आप अल्किन बना सकते हैं, फर्दर ये रिएक्शन करना होगा। आप चाहते हैं कि इसी रिएक्शन से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए, वो भी हो सकता है, इस रिएक्शन से आप डायरेक्ट आप यहाँ पर 3 मोल ऑफ NaNH2 यूज़ कीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइड बुक में आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ फिर 1 मोल किया, फिर फर्दर 1 मोल, आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये बन गया, ठीक है, और आपका ये एक चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों को हम अब ऐड कर देते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा CH3 CH2 CL, ये जो वाला चीज़ हम उठा लिए और लास्ट वाला चीज़ उठा लीजिए, क्या होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ठीक है। तो ये और ये हम उठा लिए, तो अब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे ये और ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 CH, ये बन गए। आप चाहें तो एक स्टेप चल के, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बनाना होगा आपको, इससे आपको यहाँ जाना होगा, इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करके ये बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इथेनॉल जो हमको नहीं 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी कि उसका पोजीशन चेंज किया गया है, तो देखते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे लिखेगा, तो पहला पोजीशन हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, सब हमको बीच वाला पोजीशन पे ले जाना है, देखिए अगर हमको अल्कीन है, अगर इस पे सीधे सिंपल HBr डालिएगा तो Br यहाँ जाएगा और H डाले यहाँ जाएगा, अगर HBr peroxide डालिए तो Br यहाँ जाएगा और H यहाँ आएगा, तो हमको यहाँ से यहाँ आना है, तो हमको पहले ये करना होगा, डबल बॉन्ड बनाना होगा। तो डबल बॉन्ड बनाएंगे कैसे, अभी बताए थे रिव्यू में बताए हैं कि जब डबल बॉन्ड बनाना हो तो अल्काइल हैलाइड पे अगर अल्कोहलिक KOH करते हैं, अल्कोहलिक KOH या NOH, अल्कोहलिक NaOH ये क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, ठीक है। तो हमको डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि CH3 CH2 CH2 Br से अल्कोहलिक KOH डाल देंगे तो हमारा जो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और सिंपल HBr डाल दीजिए तो
तो क्या हुआ सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री, और इसी में एच बी आर प्रोक्साइड डालिएगा तो बी आर यहाँ आ जाएगा एच यहाँ आ जाएगा। इसके पीछे भी हम रीजन हम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आपको टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल हमको चाहिए। तो टॉलिन लिखते कैसे हैं आपको याद होगा टॉलिन कैसे लिखा जाता है। तो टॉलिन लिखने के लिए हम क्या करते हैं बेंजीन पे एक सी एस थ्री डाल लगाते हैं। तो बेंजीन पे हम एक सी एस थ्री लगा दिए से हमको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो बेंजाइल अल्कोहल में हम बताए थे आपको हम सी एस टू इसको कहते हैं हम बेंजाइल। इस पर अगर आप OH डालिए तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्लोरीन जाएगा तो बेंजाइल क्लोराइड होगा, ब्रोमीन डालिए तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है अल्कोहल है बेंजाइल अल्कोहल तो OH डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको है OH लगाना है। तो जनरली आप अगर क्लोरीन यहाँ पर हैलोजन रहता तो एक्वस क्यूएच तो हम कर देता हमारा बन जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर तो हैलोजन है ही नहीं। जनरली हम अल्केन से रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम Cl2 लाइट या Br2 लाइट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जनरली इस पर कोई फर्दर रिएक्शन अल्केन पे नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा हम सबसे पहले हम इसको हम Cl2 HNU हीट या लाइट इस्तेमाल कीजिए, ये बना देगा आपको यहाँ पे CH2 Cl। अब इसको एक क्वेश के एच कर दीजिए तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये ढंग से आप बना सकते हैं इसको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन टू 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन बनाना है। बेंजीन चलिए बेंजीन खींच दिए, बेंजीन से हमको 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन बनाना है। 4-ब्रोमो-नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये बनाना है। देखिए इसमें सबसे पहले है कि इसको पहले लगाइए कि इसको पहले लगाइए, दोनों को लगाने में फ़र्क है। अगर आप NO2 लगाइएगा, NO2 पहले देखिए बेंजीन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर बेंजीन पे लगा हुआ रहता है, जैसे क्या है कि कोई भी है मतलब CO है NO2 है, ये ही ले लीजिए आसानी होगा समझने में, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आएगा तो यहाँ पर प्लस बनता है, इस ढंग से ये होता है। तो यहाँ पर प्लस बनेगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ प्लस बन जाएगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फिर यहाँ प्लस बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, ये लगने से यहाँ पर प्लस बन रहा है, यहाँ पर प्लस बनेगा और यहाँ पर प्लस बनेगा। यानी सिंपल है, अगर कोई बेंजीन है अगर हमारा ये पहले ग्रुप लगाते हैं नाइट्रो, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ प्लस बनेगा, ठीक है। अब नेगेटिव कहाँ बन रहा है, ये आपको पता है कि जब कोई ऐसे तीर आता है यहाँ नेगेटिव जाता है यहाँ पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ तीर जा रहा है और यहाँ तीर जा रहा है, यानी यहाँ नेगेटिव बन रहा होगा, यहाँ नेगेटिव बन रहा होगा, ठीक है। और बेंजीन पर आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं हमारा इस पर, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो प्लस चार्ज पर अटैक्ट करेगा या माइनस चार्ज पर अटैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं होगा। तो ये किसको अटैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये तो यहाँ पर जाएगा या यहाँ पर जाएगा,
यानी कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे हम, तो जो आपका आने वाला ग्रुप है या तो यहाँ अटैक करेगा चाहे यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन लगाते हैं तो ब्रोमीन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ब्रोमीन के केस में ये डोनर ग्रुप है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बी आर पर प्लस, यहाँ नेगेटिव, फिर ये मूव करेगा ये ढंग से बनते चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव, तो आप कहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है, फिर इस तरह से यहाँ आएगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा। यानी कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो कहाँ कहाँ नेगेटिव बन रहा है हमारा, अगर ब्रोमीन लग रहा है हमारा तो नेगेटिव जो बनेगा या तो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, ठीक है। इसको लगाने से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, इसको लगाने से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा चाहे यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। और आपको पता है कि ऑर्थो और पारा में किस पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, पारा पे, क्योंकि जैसे ही ऑर्थो पोजिशन पर आएगा इस पोजिशन पर होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा। यहाँ पर आने में उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए इजी इस बेल पे आ जाता है। यानी कि अगर हम इस ग्रुप को हम पहले लगाते हैं तो आपको जो आने वाला ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, जनरली यहाँ अटैक करेगा, जो मेजर प्रोडक्ट देगा बने होते हैं अभी, ये मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा हमको, पारा पर बनेगा। तो पारा पर हमारा बनेगा तो हम पहले हमको ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम पहले लगाएंगे तो कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि हमको ये मेटा पोजिशन बन जाएगा। और इसको हम पहले लगाते हैं तो प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा, पारा पोजिशन पे। तो हमको लगाना कहाँ है, पारा पोजिशन पे। तो हम पहले क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे कि पहले ये लगाएंगे, पहले हम ये लगाएंगे क्योंकि हमको पारा पोजिशन पर चाहिए। अगर ये लगा दिए तो हमको मेटा पोजिशन मिल जाएगा, तो हम पहले हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, ब्रोमीन, क्योंकि हमको चार पोजीशन ब्रोमीन लगाई, यहाँ लगाई चाहे यहाँ लगाई, पोजीशन चार ही होगा। तो आप क्या कहेंगे, बी आर टू एन हाइड्रस एफ ई बी आर थ्री लगाइए तो ब्रोमीन लग जाएगा, जहाँ भी लगाने की, एक ब्रोमीन कहीं भी लगाने की मन है। अगर यहाँ ब्रोमीन लगाते हैं चाहे यहाँ लगाएंगे तो पारा ये हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो पारा ये हो जाएगा, इससे कोई अंतर नहीं। यहाँ ब्रोमीन लगे तो पारा ये हो जाएगा, यहाँ लगेंगे तो पारा ये हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको क्या चाहिए, पारा पोजीशन पे आपको नाइट्रो लगाना है, नाइट्रेशन कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा, H2O3 कॉन्क H2SO4 लगाइएगा तो नाइट्रेशन पारा पोजीशन पे हो जाएगा, ठीक है, ये हमको बन जाएगा। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेंजाइल अल्कोहल टू टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहले तो है कि बहुत लोगों को लिखने नहीं आता है ये होता कैसे है, तो बनाने में दिक्कत होती है। तो आपको पता है कि बेंजाइल है, तो बेंजाइल में हम क्या करेंगे, हम बेंजाइल के लिए हम बताए हैं आपको क्या करना है, बेंजाइल के लिए हमको यहाँ पर CH2 लगाना है। कहते हैं किसको है, बेंजीन पे जो हमारा CH2 होता है उसको हम बेंजाइल कहते हैं। तो ये बेंजाइल हो गया, ठीक है, पे अल्कोहल लगा दीजिए OH, ठीक है। आप कह रहे हैं कि टू फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाएंगे हम, या इथेनोइक एसिड लिखते हैं, कि प्रायरिटी लिस्ट में इसका सबसे टॉप पर प्रायरिटी होता है। ऐसे हम पहले आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे भी जब तक हम पूरा, अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम पूरा, हम जितना आपको फंक्शन ग्रुप है सबको हम एक साथ देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम हो या इसके अंदर हो, कहीं भी आपको एक चैप्टर के या एक फंक्शन ग्रुप से नहीं रहता है, पूरा मिक्स रहता है। इसीलिए हमको बताना हो तो पूरा नोमेनक्लेचर बताना होगा, हम देखेंगे कैसा आप लोग के रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से। तो हमारा क्या है
अब कह रहा है कि हमारा इथनोइक एसिड है, तो वन टू यहाँ स्टार्ट करते हैं। दो पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, तो यहाँ लगा दीजिए, एक एच को हटा के यहाँ पर लगा दीजिए फिनाइल, यानी बेंजीन लगा दीजिए इसको, ये बनाना है, ठीक है। अब इसको बनाइएगा, तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन बढ़ रहा है आपका, ठीक है, एक कार्बन बढ़ाने के लिए वो भी एसिड बन रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई भी फंक्शन ग्रुप, जैसे अगर एस्टर रहे, एसिड हैलाइड रहे, अमाइड रहे, एसिड एनहाइड्राइड रहे या सैनाइड रहे, किसी को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिड बनता है, लेकिन वो सब चीज़ हम सैनाइड के अलावा हम कोई और डायरेक्ट हम इसमें नहीं लगा सकते हैं जनरली। तो सैनाइड हम इजी लगा सकते हैं इसमें। देखिए सैनाइड लगाने के लिए हम इसको हटा के सी ए लगाना पड़ेगा, तो इसको हटा के सी ए लगाना पड़ेगा, उसके लिए इसके यहाँ पर हमको क्या हैलोजन डालना पड़ेगा। और हैलोजन हम कैसे डालेंगे, आपको पता है अल्कोहल से हम अल्काइल, कैसे अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, PCl5, PCl3, SOCl2 हम इस्तेमाल करेंगे। जल्दी हम HCl का मना करते हैं कि HCl में थोड़ा अरेंजमेंट होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी इस्तेमाल कीजिए, मैंने यहाँ PCl5 ही इस्तेमाल कर लिया। अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्लोरीन लग गया। अब हम क्या लगाना है यहाँ पर, साइनाइड, हम KCN, आप डायरेक्ट KCN डालिए कोई दिक्कत नहीं, KCN अल्कोहल डालिए या KCN अल्कोहल वाटर डालिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब डायरेक्ट KCN इस्तेमाल कीजिए। तो अब यहाँ पर हम CH2CN बन गया। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में इसका क्या होगा, एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने पे हमारा वाटर बनता है, तो वाटर यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस H+ वाटर डाल दीजिए, तो ये आपको डायरेक्ट एसिड बन जाएगा। एक्चुअली देखिए कभी भी RCN दिया रहे, हाइड्रोलाइसिस किसी का भी करना हो, जितना डबल बॉन्ड है उतना आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़िएगा तो आपको पता है कि H+ OH- होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो H+ किधर जाएगा, इधर, OH किधर आएगा, इधर, तीन गो OH डाल दीजिए, इसको है ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये बन जाते हैं RCOH OH OH, और ये NH3 बाहर निकल जाता है, और दो अल्कोहल एक जगह, तीन तो सॉरी दो रुकता ही नहीं, दी वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये OH निकलेगा तो OH- के रूप में हटेगा, H+ के रूप में होगा, वाटर बन के निकले OH- के रूप में हटेगा, यहाँ क्या मतलब प्लस, और H+ करेगा माइनस, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो RCO एक OH बचा हुआ है, ये OH हो जाता है, ठीक है। इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस समझा लिए, तो आपको यहाँ से ये बन जाएगा डायरेक्ट एड्रेस करेंगे, ये बन गया हमारा। अब देखते हैं इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल किसको कहते हैं, जब साइनाइड IUPAC में जाता है तो उसको हम नाइट्राइल के नाम से जानते हैं, तो नाइट्राइल हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इथेनॉल है हमारा, इथेनॉल हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 OH, इसे हमको प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, तो प्रोपेन नाइट्राइल हम बना लेते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि इसका भी सी काउंट होता है इसके अंदर, CN को हम नाइट्राइल कहते हैं, तो तीन कार्बन हो गया तो प्रोपेन नाइट्राइल हो गया हमारा। तो आपको पता है CN लगाना है, CN लगाना क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हैलोजन लगाना पड़ेगा, हैलोजन के लिए क्या करेंगे हम, PCl5 करेंगे, यहाँ पर हम PCl5 कर देते हैं, तो CH3 CH2 CL बन गया, हम डायरेक्ट KCN कर दीजिए, वो डायरेक्ट मिल जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन कैसे लिखते हैं, एनिलीन बेंजीन पर हम NH2 को हम एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन से हमको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, देखिए यानी कि इसको हटा के हमको क्लोरीन लगाना है,
एक होता है डायट्राइजेशन, जो फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है, अमीन के सेक्शन में, अमाइन में दिया हुआ है, थोड़ा सा पहले चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो देखिए इसको पहले डायट्राइजेशन के में क्या आता है कि बेंजीन पे N2 प्लस सी एल माइनस बना देना है। तो उसके लिए एक रिएक्शन है, आप इसको NaNO2 HCl डालिए 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री से, आप इसको नहीं भी लिखिएगा चलेगा, आप इसको ऐसे लिख सकते HNO2, या तो आप ये लिखिए या ये पूरा लिखिए, या आप इसके बदले में ये लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे होता वो देखिए, अब अगर आप NaNO2 लिखते हैं और HCl लिखते हैं, ये बाहर हो जाता है, ये एक साथ निकल जाता है HNO2, तो ये हमारा NaCl बाहर निकल गया और HNO2। इसलिए डायरेक्ट आप इसको भी लिखिएगा, यही चीज़ होता है। तो कहीं भी आपको ये डायरेक्ट मिलेगा, कहीं पर आपको ये मिलेगा, तो उससे कोई अंतर नहीं बनता है। तो ये क्या बनता है हमको यहाँ पे, N2 प्लस Cl माइनस, इसको बेंजीन डाइजोम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस पे दो रिएक्शन होता है, CuCl डायरेक्ट डाल दीजिए या Cu2Cl2 डालिए, ठीक है, या CuCl HCl डालिए, ठीक है। ये आपको दो इसी से भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं और इससे भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिससे भी बनाने के बाद CuCl2 से डाल दीजिए, डायरेक्ट ये बन जाएगा। तो 3,4-dimethyl, तो 2-chlorobutane हम लिख लिए, 3,4-1,2,3,4,5,6, 3,4-dimethylhexane हो गया। तो 3,4-dimethylhexane अगर हमारा है, तो यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन, यहाँ क्या है 6 और 2 8 कार्बन। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे, 4 से 8 रहे, 3 से 6 रहे, ब्रांच कैसा भी रहे, तो जनरली उस केस में आप सोडियम मेथड डाल दीजिएगा 12 फ्लोरीन में, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लग रहा है कि लगभग दुगुना है आपका, तो दुगुना होने के लिए इसका सिंपल सा है, 2 टाइम्स हुआ होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl, इससे कोई अंतर नहीं, इसको इधर रखिए चाहे इसको इधर रखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप देखिए तो यहाँ से ये दुगुना है, जस्ट इसका 2 पार्ट है, ये पार्ट इसका उलट के ये पार्ट, 2 पार्ट लग रहा है। तो इस टाइप रिएक्शन हम क्या करते हैं, RR ब्रांड क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर हम Na और ईथर पूरी रिएक्शन यूज करते हैं, Na ड्राई ईथर यूज करते हैं हम पूरी रिएक्शन, तो हम क्या होगा डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है, होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको कि 2-methylpropene से 2-chloro-2-methylpropane बनाना है, तो 2-methylpropene लिखते कैसे हैं। तो प्रोपीन हम 3 कार्बन, 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मिथाइल है, इसका 4 बॉन्ड हो गया, इसमें 2 बॉन्ड है 2H, इसमें 1 बॉन्ड है 3H, से हमको बनाना क्या है 2-chloro-2-methylpropane से हमको बनाना है प्रोपेन। तो 2-chloro-2-pe-chlorine, 2-methyl उस पर मिथाइल भी हमारा है, बाकी क्या हो गया यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3 एक बॉन्ड था। तो इसमें देखिए अंतर क्या हो रहा है, आपके CH3 CH3 है, अंतर क्या है, यहाँ पे एक H आना चाहिए और यहाँ पे एक क्लोरीन आएगा, तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन लाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे HCl कर देंगे, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। आपको पता है कि क्लोरीन कहाँ लगेगा, कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज बनेगा, क्योंकि हम HCl करते हैं तो H प्लस और Cl माइनस हमारा होता है HCl के अंदर, तो माइनस कहाँ जाता है, जहाँ पर प्लस मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ प्लस मोर स्टेबल हो, हम पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि जहाँ प्लस होता है उसको घेर लीजिए, देखिए कितना H उसके आसपास में है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा प्लस आपका मोर स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लोरीन चला जाएगा, तो सिंपल HCl कर दिए तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है।
तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, मेरा मोटिवेशन रहिए देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।